उपविभागीय पुलिस कार्यालय तुमसर की ओर से यातायात जागरूकता मुहिम 14 मई 2024 से 21 मई तक आयोजन किया गया है। इस जागरूकता अभियान में स्वयं उपविभागीय अधिकारी IPS रश्मिता राव शहर का भ्रमण कर नागरिकों को यातायात के सभी नियमों का पालन करने का आह्वान कर रही है, जिसमें तुमसर शहर के नागरिकों ने शहर में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए शहर में यातायात की समस्या न हो और ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करके यातायात से जुड़ी समस्या निर्माण न हो। इस ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपिंग में भीड़ वाली जगह पर जैसे मार्केट परिसर में अपने वाहनों को कहां पार्क करें कहां नहीं, जिससे यातायात बाधित ना हो, इस कैंपिंग का मुख्य उद्देश्य है। नगर परिषद, पुलिस विभाग और स्वयं नागरिकों के सहयोग से यह मुहिम की जा रही है। 21 मई से 28 मई तक यह मुहिम रखा गया है, जिससे नागरिकों को जागरूक किया जाएगा और वाहनों को सड़कों पर ना रखें, जिसके कारण यातायात बाधित ना हो और ऐसे वाहनों पर चालान भी किया जाएगा। ऐसी जानकारी उपविभागीय अधिकारी IPS रश्मिता राव ने दी है। यह मुहिम पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर काटकड़े के मार्गदर्शन में की जा रही है। तुमसर, तुमसर सिटी में May 14, 2024 से लेकर May 21, 2024 तक ट्रैफिक अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। इसका मेन उद्देश्य है कि तुमसर का सिटी का रहवासी अपना तुमसर सिटी को अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए ट्रैफिक कंजेशन कम करके ट्रैफिक एंड मोटर व्हीकल एक्ट का जो रूल्स है वो फॉलो करेंगे तो तुमसर सिटी सेफ, सिक्योर एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक ईज ऑफ कन्वीनियंस एंड ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट, ईज ऑफ मूवमेंट के लिए अच्छा बन जाएगा। ये मुख्य उद्देश्य है इस कैंपेन ड्राइव का। एंड दूसरा इसका एस्पेक्ट है कि पब्लिक अवेयरनेस अबाउट कहाँ पे पार्क करना है, कैसे पार्क करना है व्हीकल्स, ताकि मेन रोड जो है तुमसर मार्केट एरिया में वो ब्लॉक ना हो और जो शॉपिंग एरिया है, मार्केट एरिया है, वहाँ पे लोग आपस में भीड़ ना जाए, आपस में झगड़ा ना करे पार्किंग के लिए या फिर मूवमेंट के लिए। एंड थर्ड एस्पेक्ट है इस ड्राइव का कि सिटीजन्स, पुलिस एंड इतर गवर्नमेंट ऑफिसर्स जैसे CO नगर परिषद, हम तीनों के बीच में आपस में कॉपरेशन, कोलैबोरेशन हो सके एंड एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड तुमसर सिटी मेनली तुमसर सिटी का सिटीजन्स के हाथ में ही है उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको सिटी का सिविक सेंस बढ़ा के सिटी जैसा सिटी लाइफ एंजॉय कर सके। एंड ये May 14 से शुरू हुआ, जहाँ पे तुमसर सिटी का आठवड़ा बाज़ार लगता है और हम लगातार 14 से लेके 20th तक ड्राइव लेने वाले हैं, जिसमें ट्रैफिक को, पब्लिक को अवेयरनेस जनरेट करेंगे अबाउट देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, पार्किंग स्पेसेस अवेलेबल करके देंगे थ्रू CO नगर परिषद कोऑपरेशन, ट्रैफिक का जो अतिक्रमण वाला जगह है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स और स्ट्रीट हॉकर्स जहाँ जहाँ अतिक्रमण किया है उनको हटाने का प्रयास करेंगे अगेन थ्रू CO नगर परिषद कोऑपरेशन। और इसके अलावा हम चलान कटवा के ट्रैफिक का NVA एक्ट का जो चलान कटवा के इन्फोर्स करने का प्रयास करेंगे जहाँ जहाँ जागरूकता करने के बाद भी रूल्स का वायलेशन हो रहा है वहाँ पे, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आए एंड सिविक सेंस भी इंक्रीज हो सके। और ये सारा कार्यक्रम माननीय SP सर लोहित मतानी जी एंड माननीय एडिशनल SP सर काटकड़े जी के मार्गदर्शना खाली हो रहा है। थैंक यू। जय हिंद।
भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।